सामान है, इतना सारा सामान है कि हमारा बैग बंद नहीं हो रहा है पहली बात तो। और फिर मम्मा को मैं बोल रही हूँ हाथ से मेजर करो, क्योंकि हम लोग खाली 45 kg लेकर जा सकते। मैंने ये बंद किया है तो कम से कम बोलूंगी उन्हें तो 15 kg रहेगा। ठीक है ये करो। हम तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो मेन कपड़े है सब। कितने कपड़े लिए? सब कपड़े इसमें ही है। देखो गाइस हम लोग जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, बैठो पहले। ओके और ये हर दिन के लिए दो दो कपड़े लिए। एक मिनट आराम से हर दिन के लिए दो नहीं लूंगी, एक दिन सोऊंगी एक दिन पहनूंगी ना। एक दिन सोओगी एक दिन पहनोगी, जो सोएगी वो हर दिन पहन सकती है ना, तू सोते वक्त भी वही पहनूंगी। हाँ तो गाइस ये भी चेक कर लेता हूँ। हाँ तो ये भी कम से कम 25 kg रहेगा, तो ऑलमोस्ट 40 kg है। और हमारे पास ये दो बैग भी है, तो क्या 25 kg रहेगा, वो बैग मिलाकर 45 होना चाहिए। हाँ तो ये 25 kg है, ये 15 kg है, 5-6 kg रहेगा ही रहेगा, और 1-2 kg लो एडजस्ट कर लेते। तो गाइस 1-2 kg कोई नहीं एडजस्ट करता, पे करना पड़ता है। हाँ तो पे कर देंगे। तो गाइस मिसबा बहुत एक्साइटेड है, मत निकाल खराब हो रहा है। हाँ करती है मिसबा यार। चलो रेडी गाइस, कुछ रेडी नहीं है अभी तक, हम लोग नहाए नहीं है, अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग ने पूरा रेडी कर लिया है, यहाँ पर सब कुछ हो गया और पूरा घर हो गया है मेस, क्या बोलते हैं मेस हो गया है। तो सब दवा और सब हम लोग ने सब कुछ ले लिया है। ओके तो गाइस मिसबा को सिर्फ एक प्रॉब्लम है अभी। तो मिसबा तुमको इतना प्रॉब्लम क्यों है, अभी अपनों जा रहे घर पे कोई नहीं रहेगा। हाँ तो गाइस मिसबा मेरे को बोल रही है ओ कोई आ भी गया, आने में भी घंटी बजती है क्या। तो गाइज हम लोग ने एक सामान मंगाए थे। ओके तो गाइज चलो मिसबा को भी ये प्रॉब्लम है कि घर कैसा साफ होगा, तो ये फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसको घर साफ, कि आने के टाइम भी घर साफ मिलना। हाँ घर साफ हो जाएगा और आने के टाइम भी इसलिए घर साफ होना चाहिए क्योंकि घर में फरिश्ते होते हैं और जब घर पे हम एंट्री मारे तो हमें एकदम फ्रेश लगे। तो गाइज चलो फटाफट रेडी होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हम जिसके साथ जाने वाले हैं उनका भी कॉल आ चुका है, वो भी घर से निकल गए हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और सरप्राइज है वो कौन है तो थोड़ी देर में हम लोग आपको बताएंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, सुहाना भी रेडी हो गई है, मम्मा भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और बस रेडी होकर हम लोग निकलेंगे। मम्मा पढ़ रहे हैं नमाज, क्योंकि निकलने से पहले नमाज बहुत जरूरी है, और फटाफट नमाज पढ़ते और निकलते हैं और रास्ते में आपको मिलते हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, हमारा बैग हो चुका है, अच्छी अच्छी चप्पल हमने अंदर रख दिए और सब कुछ रह लिया। मम्मा एकदम लवी डवी बन के एकदम पैक को लेकर वो हो गए, छोटा सा बैग लेकर रेडी हो गए। ये बैग है ना, ये बैग हाँ वेरी नाइस। और ये भी देखो कितनी मस्त लग रही है, वाह। तो इसने अपनी कॉफ़ी बचा के रखी थी मम्मा आज पीने के लिए, देखो। चलो दरवाजा बंद करो, बिस्मिल्लाह बोलकर चलो गाइज। बाय बाय घर, बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी से मिलने, क्योंकि हम लोग जैसे ही नीचे उतरे मम्मा ने बोला चलो पहले अम्मी को मिलकर आते बाइक पर, क्योंकि गाइस बहुत जरूरी था अम्मी को मिलना, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सफर के लिए। हां भाईजान का कॉल भी आ गया, भाईजान लोग लगता है हम लोगों का वेट कर रहे हैं, और फटाफट जाते हैं अम्मी से मिल लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस मैं और मिसबा पहुंच चुके हैं लिफ्ट में, जो मम्मी को मिलने जा रहे हैं हम लोग, और मम्मी और पापा को मिलना जाना जरूरी था कि हम लोग जा रहे हैं सफर के लिए, तो उनकी दुआ ले लेते हैं। तो मिसबा मेरे बैग के पीछे लगी हुई है कब से, बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पहना था तो मिसबा बोलती है बच्चे लोग पहनते, तो मैंने बोला अच्छा मैं कवर बच्चे लोग पहनते नहीं, तुम्हारे लिए बहुत छोटा था, मेरे लिए बहुत छोटा था। तो चलो गाइस देखते हैं, मम्मी लोगों को तो फोन कर दिया था मैं कि मम्मी लोग जगे रहे ना, क्योंकि मैं बहुत रात हो गई है, 2 बज गए, तो मम्मी लोग जगे तो ओ माय गॉड तो गाइस फाइनली हम लोग अम्मी के इधर आ चुके हैं और अम्मी से मिल लिए हैं। और मिसबा दुपट्टा चोरी करके कहाँ से लाई है, अम्मी से ही। तो गाइस चलो अम्मी हम लोग जा रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़, पापा जा रहे हैं हम लोग, अल्लाह हाफिज़, चले पक्की अल्लाह हाफिज़, तो बहन अल्लाह हाफिज़। चलो गाड़ी भी यहाँ भाईजान ने बुक कर दी हम लोग की। जबरदस्ती इंशाल्लाह, ये तो पहली बार जा रहे हैं। चलो चलो।
तो गाइस फाइनली मेरे बैग्स भी आ चुके हैं और गाड़ी भी आ चुकी है भैया की। भैया सही सलामत पहुंचा देना। यस, चलो अभी ये कहाँ डालो, के बैग डालो फटाफट। यस, तो गाइस दो ही बैग है हमारे, तो भैया ने बोला हम कैरियर पे डाल देते हैं। और कुछ नहीं, मम्मा गए अंदर बाइक छोड़ने वहां पर, और मम्मा आते ही हम लोग अपना सफर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और पूरा अंधेरा है और हमारी फ्लाइट है 5:00 something की, तो जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो लास्ट टाइम ऐसा हो जाएगा। तो मिसबा पीछे बैठी है और निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं थोड़ी देर में, पहुंचते हैं और जो हमारे साथ जा रहा है सरप्राइज शख्स उससे भी मिलाते हैं। गाइस इधर हो चुका है हादसा, जब हम लोग कहीं निकलते हैं जब यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग चलते यार हादसा हो ही जाता है, इसलिए गाइस हम लोग कभी भी निकलते हैं तो सफर की दुआ पढ़ के निकलते हैं। सफर की दुआ पढ़ के निकला कीजिए, बहुत जरूरी है। ओके, क्या पता अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। तो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और आप देख सकते हो, मतलब हाउसवाइफ्स को कुछ अलग ही होती है, तो बहुत यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है। तो गाइस यहाँ पर एयरपोर्ट पर हम आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और इधर इतनी सारी लाइन लगी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। इस बार आंखों में कुछ चला गया, क्या चले गया तो गाइस हम लोग का लगेज इधर है और लाइन बहुत सारी है, तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस चेकिंग हो चुकी है, हम लोग अंदर आ चुके हैं और मिसबा देखो भाग रही है पर, और मिसबा जा रही है उधर जहाँ पर लोग आए हैं जिसके साथ हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और ये होने वाला है ब्लॉक क्लैश, देखो आओ, हेलो हाय, क्लैश हो गया हम लोग का ब्लॉक। तो गाइस हाय रोहन, ये तो गाइस अभी तक आप लोग को पता नहीं था हम लोग के साथ कौन कौन जा रहा है, देखो रोहन और शिफा हम लोग के साथ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले, और कहाँ जा रहे हैं अभी तक आपको नहीं बताएंगे हम लोग, जब हम लोग पहुँच जाएंगे जब हम लोग आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखो खाने के लिए, वाह जिधर खाना उधर मिसबा, हाँ खिला दो पेट दुखेगा। इधर देखो हम लोग को कौन मिल गया है, ओ माँ, तो अभी देखो वहाँ यहाँ पर मैं मेघना हम लोग को मिल चुकी है। कसम कसम से मेघा, मैं 2 मिनट में सोचा मेरा कहीं हम लोग को मेघना ना मिल जाए हम लोग यहाँ पर। हैंडसम बॉय कहीं भी दिख जाता है, याद रखना। फाइनली गाइस हम लोग ने अपना लगेज रख दिया है और यहाँ बैठे लोग बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। पीछे देख। तो गाइज़ हो चुका है, चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो गाइज़ हम लोग का यहाँ पूरा सामान हो गया है चेक और यहाँ पर सब हम लोग अपना अपना पहन लिए। गाइज़ मेरे को तो समझ में आता घड़ी की उतारना पड़ता है, घड़ी उतारो, बेल्ट उतारो, बैट उतारो, बैग उतारो, हर चीज़ उतारना पड़ता है, क्या मालूम क्या होता है। हाँ ये लड़की वाला बैग है मिस भाई, ये तुम्हारा ही बैग है समझे, काम करो ये भी ले लो। लो ये भी दे दो। तो मैंने कैसा बताया था, कैसा पीते, ऐसा पीते, वेरी नाइस, देखो पानी पीने का तरीका, वाह वो कर रही है, वाह क्या कर रही है पता है, क्या खाई की बाहर ऐसे पीते ना, हां बाहर ऐसे, हां पैर पैर जाओगे तो ऐसे पीना पड़ता है, ज्यादा महंगा पानी रहता है वहां पर, तो ऐसे ही रहता रास्ते। अभी अभी शिफा को सही हकीकत नहीं मालूम है, हां शिफा को पानी ऐसा क्यों पी रही थी, क्या क्योंकि गाय कभी बैठ के पानी नहीं पी। तो चलो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अंदर चलते हैं फटाफट, बहुत सारे कॉल आ चुके हैं। मिसबा चलो चलो, हम लोग को फाइनल कॉल आ रहा था इधर बार बार, और अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग पास चेकिंग कराने के लिए। तो भाई हम लोग को चिल्ला रहे कि इतना फाइनल कॉल कैसा कर रहे, तुम लोग किधर थे। तो ये मैं देने जा रहा हूँ मेरा बोर्डिंग पास, हो गया चलो। थैंक यू। तो गाइस हम लोग का हो गया। तो गाइस यहाँ पर खड़ी है बस, हम लोग जा रहे हैं बस के अंदर और यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो चलो 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 फटाफट फटाफट, यहाँ पर बैठ चुके हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं आप पीछे बैठ, हम लोग के लिए खास कर
दिमाग है आप लोग में, कितना कॉल कर रहा था, किसको कॉल कर रहा था? बोले ये क्या बोलते, अरे वो थोड़ा सा ना बीमार पड़ गया था, बोले लाओ चाबी दो मेरी, चाबी बोर्डिंग पास बोलता लाओ चाबी दो, वो इतना गुस्सा हो गया मेरे को लगा भाई अंदर एंट्री नहीं देगा। अल्लाह प्लेन है ना मिसबा, हाँ प्लेन देखो उसको बचपन मिसबा को बचपन की याद आ गई है प्लेन देख के, एरोप्लेन गार्डन याद आ गया है सैंटा क्लॉज। प्लेन को देखो, एक मोहतरमा, ये एक लड़की इतने बड़े प्लेन को हैंडल कर रही है, और ये होता है वुमेन पावर, इधर आप देख सकते हो देखो ना, वाह लेडीज है। नहीं औरत है, औरत है, औरत है, नहीं नहीं औरत है। इधर हो चुका है मेरा चेकआउट और यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं। बैठ चुके हैं यहाँ पर और आप लोग देख सकते हो कॉर्नर पे लोग दोनों तीनों, और यहाँ पर मिस भाई है, मैं अकेला बैठा हूँ। हाँ सो जाए इधर, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस तो बाहर देख मुझे, अब मेरी है। हाँ मेरी है, घर पे लेके जाना, अब ये ऐसी बैठी रहती है 2 घंटा। बादल तो देखो, मतलब बादल के ऊपर है हम लोग, बहुत मजा आ रही है, और यहाँ पर सनराइज हो रहा है। गाइस हमारी लैंडिंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग शिफा, चलो और चलते हैं मम्मा। गाइस हमारा लगेज यहाँ से जा रहा है और ये रहा मेरा बैग। प्लीज आराम से, कितना जोर से फेंका है भाई, देख लो, देखो ना यार, शिट।